हेलो फ्रेंड, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेस कॉलेज एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे क्या क्या पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट पेपर, हार, टी स्क्वायर देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि सेट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो सेट स्क्वायर भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पर फिगर में एक ही तरह के दिखाए गए जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सेट स्क्वायर क्या हो रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन्स एंड एंगल मेड फॉर फ्रॉम ए फ्लैट पीसेस और प्लास्टिक और मेटल इन द शेप ऑफ द ट्राइंगल विथ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बोल रहा है कि प्लास्टिक का बना होता है जिसका एक को 90 डिग्री का होता है। इसको स्ट्रेट लाइन खींचने में प्रयोग किया जाता है, एंगल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर का सेट स्क्वायर भी दो तरह के होते हैं, ऐसा देखने में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है सेट स्क्वायर जो बड़ा होता है, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देता है उससे नहीं होता है, उसके लिए बड़ा सा सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, बड़ा साइज में होता है। और नेक्स्ट है मिनी ड्राफ्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है? इट इज़ ए यूज फॉर ड्राइंग, इसका यूज ड्राइंग करने के लिए होता है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। इसमें जो मिनी ड्राफ्टर होता है उसको पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन को बनाने में किया जाता है मिनी ड्राफ्टर का उपयोग। लाइन आल्सो ड्राइंग इंक्लाइंड लाइन विथ एनी एंगल, इसका परपेंडिकुलर और पैरेलल के साथ साथ इंक्लाइंड लाइन को भी बनाने में किया जाता है इसका यूज, और एंगल को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है मिनी ड्राफ्टर को। इट इज वेरी यूजफुल टू ड्रा इंजीनियरिंग ड्राइंग वेरी एक्यूरेटली। जो यह होता है बहुत ही यूजफुल होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और यह एकदम एक्यूरेट मतलब किसी भी मापने का इसका जो मापता है इसे नपाता वो एक्यूरेट होता है। कुछ इस तरह से मिनी ड्राफ्टर दिखता है। इसमें दो पैर देखिए, ये परपेंडिकुलर स्केल होते हैं, इसे 90 डिग्री का जो कोण बनता है इससे नापा भी जाता है। और इसको यहाँ पर ये होता है जो सीट में लॉक करके इससे लाइन को ड्रॉ किया जाता है। कुछ इसी तरह से दिखता हमारा मिनी ड्राफ्टर। आगे देखते हैं हम लोग स्केल क्या होता है। तो स्केल तो सभी लोग जानते होंगे नॉर्मल से कि स्केल होता है क्या। तो ए स्केल इज ए सेट ऑफ लेवल और नंबर्स विच आर यूज इन ए पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग थिंग और यूज वेन कंपेयरिंग थिंग्स। बस स्केल क्या होता है? स्केल होता है जो एक वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है, वो किसी भी चीज़ को कंपेयर मतलब उसे नापता है कि कितना इंच का है, कितना सेंटीमीटर का है, यही स्केल का काम है। अब रोलर स्केल के बाद है, तो रोलर स्केल क्या है? तो रोलर स्केल भी स्केल की तरह होता है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि रोलर स्केल आप लोग को दिखाते हैं कैसा होता है। सिंपल स्केल तो आप लोग देखे होंगे, रोलर स्केल बस ऐसा स्केल होता है। इसमें एक फ़ायदा होता है कि क्या, जो वो एमएम सेंटीमीटर के अलावा ये जो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये पैरेलल लाइन को घिसने जो इक्वल पैरेलल लाइन को घिसने मदद करता है। जैसे कि हम लोग के बहुत सारा पैरेलल लाइन घिसना है, जैसे कि हम एक लाइन खींचें, अब अगर हम ऐसे ही घिसते हैं बिना नापे हुए तो वो मतलब टेढ़ा हो जाता है, उसका डिस्टेंस जैसे तैसे हो जाता है। तो इसी के लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए इससे 5 mm के दूरी पर घिसना है हम लोग का पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर जैसे कि ये 2 पर ऐसे पैरेलल खींचे, अब हम लोग इसको घसका देंगे और 1 पर ले आएंगे कि हमको उतने मतलब उतने डिस्टेंस पर हम लोग का पैरेलल लाइन लेना है। तो यही है कि इसमें खूबी होता है। तो देख लें कि ये रोलर स्केल क्या होता है। ड्राइंग लिखा हुआ कि रोलर स्केल जो जनरली होता है वो 30 सेंटीमीटर का, इसका जो ये लंबाई होता है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। रोलर इन ड्रॉ 30 सेंटीमीटर रोलर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर यूज टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस पैरेलल लाइंस
चर्ट्स, हॉरिजेंटल लाइंस, 3D ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंगल सर्कल्स, ग्राफ्स, म्यूजिकल लाइन, मेनी अदर टेक्निकल ड्राइंग। मतलब ये सब चीज़ों में ये रोलर स्केल होता है उसका यूज किया जाता है। वेस्टर्न सर्किल प्रोटेक्टर, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो प्रोटेक्टर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ योर लॉक्स एंड ड्रॉ टू सर्किल गेट द मैक्सिमम। इसका जो प्रोटेक्टर होता है उसको सेंटर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटेक्टर भी दो तरह से होता है। एक प्रोटेक्टर होता है जो 360 डिग्री का होता है, जो एंगल बनाता है 360 डिग्री का। एक होता है जो जैसे देखिए ये प्रोटेक्टर है, ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक और प्रोटेक्टर होता है जो इंश्योरेंस बॉक्स में आता है, वो कितना डिग्री, वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि ये देखिए, ये छोटा वाला प्रोटेक्टर है, ये बड़ा वाला प्रोटेक्टर है, ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का, 180 डिग्री का। इसका जो पूरा एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।